बालाघाट जिले की बैठक करेंगे सीएम शिवराज। सुबह 10 बजे वर्चुअल रूप से होगी बैठक। सरकारी योजनाओं और कानून व्यवस्था पर करेंगे चर्चा। विदिशा में सीएम शिवराज ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। बाढ़ पीड़ितों से मिलकर जाना हाल। राहत बचाव कार्यों का भी लिया जायजा। रायपुर से रांची पहुंचे झारखंड के 5 मंत्री। आलमगीर आलम का बयान, बोले मुख्यमंत्री को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, संख्या बल हमारे पास है। आज से फिर शुरू होगी सीएम की भेंट मुलाकात कार्यक्रम। रायगढ़ जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। सामाजिक संगठन के लोगों से करेंगे मुलाकात। ग्रामीणों के बीच लगाएंगे चौपाल। छत्तीसगढ़ में हड़ताली कर्मचारियों को सीएम भूपेश बघेल की दो टूक। कहा पहले काम पर लौटे फिर होगी बातचीत। 10 दिन से हड़ताल पर हैं सरकारी कर्मचारी। हिमाचल के लिए सीएम भूपेश बघेल ने जारी किया घोषणा पत्र। बागवानों को सेब के रेट तय करने का मिलेगा अधिकार। कांग्रेस के सत्ता में आने पर छत्तीसगढ़ की तरह हिमाचल में भी होगी बहाल होगी पुरानी पेंशन योजना। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में अब कम्युनिस्ट विचारधारा की एंट्री। सिलेबस में पढ़ाई जाएगी अरुंधति रॉय की किताब अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। बीजेपी और संघ रहे हैं अरुंधति रॉय के विरोधी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सीएम भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम की। आज रायगढ़ के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहेंगे और आज से एक बार फिर भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ग्रामीणों के बीच मुख्यमंत्री की जन चौपाल लगेगी। सामाजिक संगठन के लोगों से सीएम भूपेश बघेल मुलाकात करेंगे, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रायगढ़ के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ग्रामीणों के बीच जाकर जन चौपाल लगाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और मौके पर समाधान भी करेंगे। तो एक बार फिर से भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं और आज रायगढ़ के दौरे पर रहेंगे। यहां चौपाल लगेगी, जनता से सीधी बातचीत सीएम भूपेश बघेल करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। और चलेंगे रायपुर, बात करेंगे सहयोगी सत्या राजपूत से। सत्या, आज रायगढ़ का दौरा, सीएम का क्या कुछ खास कार्यक्रम भेंट मुलाकात के अलावा? देखिए, तीज त्यौहार के दौरान जो है सीएम भूपेश बघेल जो है अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम को स्थगित कर दिए थे और उसके बाद अब फिर एक बार फिर जो है भेंट मुलाकात कार्यक्रम जो है आज से प्रारंभ है। आज सीएम भूपेश बघेल जो है रायगढ़ जाएंगे और वहां पे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जैसे कि योजनाओं का जो है फीडबैक लेना, आम जनताओं से बात करना, स्थानीय लोगों स्थानीय जनप्रतिनिधियों से वहाँ बैठक कर वहाँ की आवश्यकताओं को जानना और तमाम जो शिकायतें हैं उसका तत्काल निराकरण। तो इस तरह से जो रूपरेखा तैयार होते हैं उसमें जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों से चर्चा करते हैं और जरूरत पड़ने पर तत्काल कई सारे कार्रवाई हुई है, इसका जो है उसका उदाहरण है। तत्काल वहां पे यदि शिकायत के आधार पर जो है अधिकारियों को भी निलंबित किया जाता है और लोगों की जो समस्या सामने आती है उसका समाधान भी किया जाता है। तो इसी कड़ी में आज जो है सीएम भूपेश बघेल जो है 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से जो है पुलिस लाइन से जो रायगढ़ के लिए रवाना होंगे और 12 बजे वहां पहुंचेंगे और पुसौर विकासखंड के ग्राम नवापारा पहुंचेंगे और वहां आयोजित जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है वहां जो है शामिल होंगे और जो है जनता से रूबरू होंगे और उनसे चर्चा में जानेंगे कि वहां किस तरह की समस्या है और क्या समाधान करने की जरूरत है और विकास के रास्ते कैसे खोले जा सकते हैं। तो इन जो है चर्चा में वो शामिल होंगे और फिर उसके बाद वो जो है 2:30 बजे रायगढ़ के विकास ग्राम लोइंगा पहुंचेंगे और वहां जो है भोजन करने के बाद जो है वहां के स्थानीय जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। फिर जो है मुख्यमंत्री जो ग्राम लोइंगा से 4:55 में वहां से रवाना होकर जो है रोड शो है उसमें आयोजित होंगे और कहीं ना कहीं रोड शो के माध्यम से भूपेश बघेल अपनी सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने और वहां के हितग्राहियों से बातचीत करेंगे और ये इस तरह जो है रोड शो में भी वो शामिल होंगे। फिर जो है शाम को पूरे प्रदेश के जो है प्रतिनिधि मंडल है, कांग्रेस सरकार के सत्ता संगठन के लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और जो है वहाँ जिले के स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या और सुधार की जरूरत है, क्या यहाँ योजनाओं की लाभ मिल रही है कि नहीं, किस तरह की आवश्यकताएं हैं, इन मुद्दों पर चर्चा होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है रायगढ़ में ही रात्रि विश्राम करेंगे। तो इस तरह अगर पूरी तरह से देखा जाए तो जो है भेंट मुलाकात कार्यक्रम जनता से रूबरू होने के लिए है और जनता के बीच में जाकर सीएम भूपेश बघेल जो है
उनसे वहाँ के होने वाली समस्या उनसे बात करते हैं और जो विकास के रास्ते के लिए वहाँ पे रायगढ़ के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल और भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। आगे बढ़ेंगे, हड़ताली कर्मचारियों को सीएम भूपेश बघेल की दो टूक सामने आई है। पहले काम पर लौटे उसके बाद बात होगी, ये बात कही सीएम भूपेश बघेल ने। कितने दिनों तक हड़ताल करेंगे, वापस आना चाहिए, ये बात कही सीएम भूपेश बघेल ने। 6% डीए पहले ही बढ़ा चुके हैं, मेरे से मिलने के बाद ही कर्मचारी हड़ताल पर गए, ये बात सीएम भूपेश बघेल ने कही है। जो काम पर लौटेंगे उस पर कार्रवाई नहीं होगी, काम पर लौटेंगे तो अधिकारियों से मुलाकात कर लूंगा, ये बात सीएम ने कही है। कितने दिन तक हड़ताल करेंगे, अब वापस आना चाहिए। 6% डीए तो पहले ही बढ़ा दिया गया है, अब हर धर्मता छोड़े काम में लौटे, मेरे से मिल के गए थे उसके बाद हड़ताल किए। पहले मिले तो मैंने कहा 6% डीए देंगे तो सब काम में लौट गए, फिर दूसरा ग्रुप आया तो मैंने कहा चलो काम में लौटो, मेरे से मिल के हड़ताल में गए तब काम में लौटे, उसके बाद मिल लूँगा, मुझे तकलीफ थोड़ी है, लेकिन काम में लौटे तो पहले जो लौट जाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जो आदेश है तो वो तो है, 1-2 तारीख तक के ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें कोई बात नहीं तो उसके बाद तो सर्विस ब्रेक भी होगा और तनख्वाह काटने की भी कार्रवाई होगी। सीएम भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कह दिया कि जो तुरंत ज्वाइन कर लेंगे वापस काम पर लौट जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उसके बाद कार्रवाई हो सकती है। चलेंगे एक बार फिर रायपुर, बात करेंगे सहयोगी सत्या राजपूत से। सत्या, सीएम भूपेश बघेल की दो टूक साफ चेतावनी अधिकारी और हड़ताली कर्मचारियों को, क्या कुछ निर्देश, कितना असर इसका पड़ेगा? देखिए, प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी पिछले जो है 10 दिन से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, और ऐसे में जो है राज्य के जो विकास के पहिए वो थम चुके हैं और लोग जो है, जनता जो है, आम जनता है वो परेशान है क्योंकि उसको सरकारी कार्यालय में किसी भी तरह का काम नहीं हो रहा है। हालांकि सरकारी कार्यालय तो खुलते हैं लेकिन वहाँ अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं रहते, ऐसे में जनता जो है निराश होकर लौट रही है। और इसको देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने स्पष्ट तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर 1 या 2 सितंबर तक अगर आप काम पे नहीं लौटते हैं तो आप पर सीधा कार्रवाई की जाएगी, वेतन भी कटौती होगी और कार्रवाई होगी। तो ये सीएम भूपेश बघेल की सीधी चेतावनी है। इससे पहले जो है सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया था कि अगर आप काम पे लौटते हैं तो आपके पूर्व में किए गए हड़ताल के जो है छुट्टी जो स्वीकृत किए जाएंगे और उसका भुगतान किया जाएगा, और जो अगर 2 तारीख तक काम पर लौटते हैं तो उनका भी भुगतान किया जाएगा, और जो नहीं लौटते हैं उसको लेकर सीएम भूपेश बघेल जो है स्पष्ट कर दिए हैं कि उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर सी बात है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है तो राज्य के लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, करोड़ों हजारों का नुकसान हो रहा है, और जो है राज्य के आय के साधन जो है बंद पड़ गए हैं क्योंकि अधिकारी कर्मचारी ही तमाम कार्य संभालते हैं, मोर्चे में रहते हैं, और ऐसे में वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में है तो राजस्व नहीं मिल रहा है, ना ही जमीनों का जो है पंजीयन हो रहा है, कोर्ट बंद है, जो है आपराधिक मामलों को लेकर सुनवाई भी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे स्थिति में, गंभीर स्थिति में राज्य है, और इसको देखते हुए भूपेश बघेल ने दो टूक में कहा है अगर आप काम पे नहीं लौटते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। लेकिन इसको लेकर हमने अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन से बातचीत किया है, उनका रुख अब भी वही है कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती है, हमारी मांग जो है 12% महंगाई भत्ता है, अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम काम पर नहीं लौटेंगे। तो यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी जो फेडरेशन है उसका भी बयान सामने आया है, लेकिन इसी में सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि मैं पहले ही इनके मांग के आधार पर 6% जो है बढ़ा दिया गया है और राज्य की स्थिति को देखते हुए आगे और 6% जो है वृद्धि की जाएगी। तो उन्होंने कर्मचारी से अपील की है, पहले काम पर लौटे उसके बाद बात होगी, ये बात कही सीएम भूपेश बघेल ने। और इस बीच आगे बढ़ेंगे, हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज उनकी आपात बैठक है, सीएम भूपेश बघेल की अपील के बाद ये बड़ी और खास बैठक बुलाई है कर्मचारियों ने। कर्मचारी भवन में 2:00 से 2:00 बड़ी बैठक होगी, बैठक में आगे की रणनीति हड़ताल कर रहे कर्मचारी तय करेंगे, आंदोलन की आगे की रणनीति कर्मचारी बनाएंगे, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम भूपेश बघेल की अपील के बाद ये बैठक कर्मचारियों ने बुलाई है जो कि हड़ताल पर हैं। चलेंगे रायपुर, एक बार फिर बात करेंगे सहयोगी सत्या राजपूत से। सत्या, ये आपात बैठक कर्मचारियों की क्या रणनीति बन सकती है, क्या कुछ फैसला कर्मचारी फेडरेशन ले सकता है हड़ताल को लेकर?
देखिए अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर एक एक करके जो है शासन प्रशासन के द्वारा जो है नोटिस जारी किया जा रहा है, जिसमें स्पष्ट तौर पे चेतावनी दी जा रही है कि आप अगर आप लौटते हैं, काम से लौटते हैं, तो आपके जो है छुट्टी का जो है प्रावधान किया जाएगा और आपकी उस दौरान की राशि दी जाएगी, लेकिन नहीं लौटते तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के आदेश से कहीं ना कहीं जो है कर्मचारी अब जो है सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आगे क्या किया जाए। तो ये पूरे संगठन का मामला है, प्रदेश भर के जो अधिकारी कर्मचारी का मामला है, 5 लाख के करीब अधिकारी कर्मचारी हैं। तो ऐसे में आगे की जो है रणनीति है वो क्या होगी, इसको लेकर आज जो है कर्मचारी भवन में बैठक बुलाई गई है। क्योंकि सीएम भूपेश बघेल ने चेतावनी दे दी है कि अगर आप 2 तारीख तक काम पे नहीं लौटते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस चेतावनी को अधिकारी कर्मचारी किस तरह से लेते हैं और आज रणनीति में क्या तय होता है, वही रुख आगे का रुख बताएगा कि अधिकारी कर्मचारी क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे या फिर हड़ताल को वापस लेते हैं। तो आज बैठक में यह तय होने वाला है कि राज्य का जो सभी कार्यालय, सरकारी कार्यालय जो बंद है, वहां अधिकारी नहीं है तो क्या आगे वो बंद रहेगा या फिर जो है अब फिर अधिकारी कर्मचारी काम पे लौटेंगे। तो इस रणनीति पे चर्चा होगी। ठीक है सत्या, लगातार बने रहिए हमारे साथ में, एक बार फिर आपके पास आएंगे, चूंकि आज बड़ी बैठक कर्मचारियों की है, 2 बजे इस बैठक में कुछ बड़ा फैसला कर्मचारी ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं जगदलपुर की। जगदलपुर में सरकारी कर्मचारी फेडरेशन की हड़ताल लगातार जारी है, अभी भी ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। हालांकि गणेश चतुर्थी के दिन कर्मचारियों की तादाद जरूर कम हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री ने हड़ताली कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा है कि आम लोगों के काम पर असर पड़ रहा है, कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अपील की है। इसके साथ ही पुरानी पेंशन बहाली का भी उदाहरण देते हुए कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया जाएगा, यह बात सीएम ने कही। हालांकि इन हड़ताल कर रहे कर्मचारियों पर अपील का किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ा, उन्होंने हड़ताल आगे जारी रखने की बात कही है। उनका कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाले चुनाव में भी वोट बैंक प्रभावित करेंगे। कर्मचारियों का हड़ताल का आज 10वां दिन है और लगातार ये अपने आंदोलन में डटे हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने आज एक अपील भी की है, ट्वीट भी किया है और इन कर्मचारियों से अपील की है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और काम जो प्रभावित हो रहे हैं, जो आम लोगों के काम जो प्रभावित हो रहे हैं, उसे सुचारू रूप से चालू करें। लेकिन उस अपील का कितना असर पड़ रहा है ये हम देखते हैं, बातचीत करते हैं। भैया आज जो है अपील किए हैं मुख्यमंत्री कि आप अपने काम का, कर्तव्यों का निर्वहन करें, जो आम लोगों को परेशानी हो रहा है वो परेशानी ना हो, क्या क्या समझते हैं? हम भी पिछले 10 दिनों से यही अपील कर रहे हैं, सड़क पे, रोड पे, पानी पे, धूप में हमारा महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ा दें, हम आज काम पर लौट जाएंगे। देखिए जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने हमसे अपील की है, हम लोग भी लगातार 10 दिन से अपील कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारा जो डीए है उसको 28 महीने का जो हमारा एरिया से वो दे दिया जाए। और जो काम प्रभावित हो रहा है उसमें आप देख रहे हैं कोर्ट बंद है, तहसील बंद है, जनपद बंद है, सारे कार्यालय बंद हैं। तो यदि आप हमारी मांगों को सकारात्मक रूप से मानते हैं तो हम तो हड़ताल वापस लेने तैयार हैं। हम शासन को अवगत कराते हैं कि आप हमको हमारा तनख्वाह रोक दें या हमको जो भी दंड दें, हम भोगने को तैयार, पर जब तक हमारी मांग DRHRA के लिए नहीं होगी तब तक हम इस मंच को नहीं छोड़ेंगे। हड़ताल मतलब हड़ताल हमारा। हम मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं, आपको अगर चाहिए कि अधिकारी वापस जाएं तो आप हमारा DRHRA आज कर दीजिए, ऐलान कर दीजिए, हम कल से अपनी ड्यूटी निकल जाएंगे। बिल्कुल, ये प्रण ले चुके हैं कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन हो, लगातार जो मुख्यमंत्री का अपील भी सामने आया, बावजूद इसके वो उस अपील का कोई भी फर्क इन लोगों के ऊपर नहीं पड़ रहा है। और उनका कहना है कि जब तक इनकी मांग जो पूरी नहीं होती है तब तक ये आंदोलन पर डटे रहेंगे और मांग पूरी होने के बाद ही ये अपना काम शुरू करेंगे। आशुतोष तिवारी, News24 बस्तर। और रायपुर से झारखंड लौटे मंत्री मुख्यमंत्री के साथ फिर रायपुर आएंगे। रायपुर से झारखंड 5 मंत्री लौट चुके हैं, कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो 5 मंत्री जो है वापस लौट गए हैं और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। रायपुर से झारखंड लौटे मंत्री, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो मुख्यमंत्री के साथ फिर रायपुर आएंगे, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चलेंगे रायपुर, बात करेंगे सभी के सत्या राजपूत से। सत्या, फिलहाल मंत्री लौट गए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसके बाद दोबारा आएंगे, क्या कुछ तैयारी झारखंड के मंत्रियों के विधायकों की?
झारखंड के सत्ता के संग्राम में छत्तीसगढ़ में भी जो है इसमें जुबानी जंग तेज हो गई है, सियासत तेज हो गई है। ऐसे स्थिति के बीच में जो है झारखंड के जो मंत्री छत्तीसगढ़ आए हुए थे वो जो है झारखंड वापस लौट गए हैं, क्योंकि आज जो है वहाँ पे कैबिनेट बैठक है और कैबिनेट बैठक में शामिल होने के बाद जो है वो मुख्यमंत्री सोरेन के साथ जो है वापस फिर रायपुर आएंगे। तो यानी ये समझा जा सकता है कि जो विधायक यहाँ पे ठहरे हैं, 32 विधायक जो यहाँ पहुँचे हुए थे, वो आगे और भी छत्तीसगढ़ में रहेंगे। मेफेयर रिसोर्ट में उन्हें बाड़ा बंदी के बीच में उनको रखा गया है और राजनीतिक गतिविधियों और जो है मंत्री विधायकों के दौरे के कारण वहाँ पुलिस पे भी सुरक्षा में जो है तैनात किए गए हैं। तो इस तरह जो है अगर हम बात करें तो झारखंड लौटने वाले में है सत्यानंद भोक्ता, आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता और रामेश्वर उराव और बादल पत्र लेखा। तो ये जो है वापस चार्टर प्लेन से वापस लौटे हैं और जो है कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। लौटने से पहले उनका बयान सामने आया कि जो है झारखंड में जो सियासी हंगामा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का देन है। वहाँ पे विधायकों को मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे खरीद कर वहाँ जो है सत्ता को गिराने की कोशिश हो रही है। सत्ता के संग्राम में अभी जो है जिस तरह से कदम हम उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, चूँकि विधायकों को सुरक्षित रखना और हमारे लिए सत्ता के लिए फायदेमंद हो सकता है। और इसी तरह से लगातार जो बीजेपी का बयान आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है अय्याशी का अड्डा बनाया जा रहा है, यहाँ छत्तीसगढ़ के पैसे से जो है उनको जो है मांस मटन शराब जो है परोसा जा रहा है, तो इस तरह के जो बयान आ रहा है उसके लेकर जो है सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया था। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि वो हमारे लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में है और इनके बीजेपी वालों के पेट में तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि हम इनको खुला नहीं छोड़े हैं। अगर हम इनको खुला छोड़ देते तो वो खरीद फरोख्त कर लेते। जैसे कर्नाटक में 50 करोड़ रुपए रेट चल रहा था, झारखंड में 20 करोड़ रुपए का रेट चलाया जा रहा है। तो ऐसे ही स्थिति को देखते हुए खरीद फरोख्त करने के लिए बीजेपी जो है इस तरह के बयान दे रही है। तो इसी मामले पे सवाल उठाया है कि जो निर्वाचन आयोग से जो पत्र आया है तो राज्यपाल ने अभी तक उसको ओपन नहीं किया है, तो इस पर उन्हें तंज कसा है। कहीं ना कहीं अंदर खाने में जो खेल चल रहा है इसको लेकर सवाल भी उठाए हैं। तो इस तरह जो है झारखंड की पूरा अगर राजनीति की हम बात करें तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में उसकी सियासत जो है तेज हो गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सत्या राजपूत खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। इधर हिमाचल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है और पंजे का परचम लहराने के लिए कांग्रेस ने आज 10 गारंटियों की घोषणा की है, जिनमें पुरानी पेंशन की बहाली का वादा भी शामिल है। कांग्रेस ने कहा कि अगर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी तो 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। आज 10 गारंटी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लॉन्च किया गया। हिमाचल की जनता से वादा कांग्रेस पार्टी करती है। हिमाचल में सत्ता परिवर्तन के लिए कांग्रेस ने 10 गारंटियों के साथ चुनावी ताल ठोक दी है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और प्रभारी राजीव शुक्ला की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और हिमाचल कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। कांग्रेस ने ऐलान किया कि हिमाचल में पार्टी की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन योजना शुरू हो जाएगी, तो साथ ही 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए का पेंशन भी दिया जाएगा। तो सारे जो गारंटी है, ऐसी कोई गारंटी हम, ऐसा कोई वादा हिमाचल की जनता से नहीं करें जिसे हम पूरा ना कर सकें। आप रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की बात है, एक विधानसभा 10 करोड़ 68 विधानसभा है, 680 करोड़ की राशि रखी गई है जिसमें गांव के नौजवान और नवयुवतियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। जो 5 लाख रोजगार पाएगा ये जो है उसकी सप्लीमेंट्री के रूप में आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, नीतियां हैं और उन नीतियों का कार्यक्रमों के आधार पर जनता के बीच में हम जा रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने दावा किया कि सूबे में परिवर्तन की लहर चल रही है और जनता बीजेपी की सरकार को बदलने के लिए तैयार खड़ी है। राजीव शुक्ला ने दावा किया कि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है और हिमाचल की जनता को भी इस बात का बखूबी एहसास हो चला है। और आपको पता है कि हमारी एक बहुत बड़ी साख है कांग्रेस की कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो वादे हम चुनाव में करते हैं जीतने के बाद जैसे ही हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेता है वो जाके उसको तत्काल उन फाइलों पे साइन करता है, उनको लागू करते हैं। ये हमने राजस्थान में करके दिखाया, ये हमने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया, ये हमने मध्य प्रदेश में करके दिखाया कि शपथ के बाद सीधे मुख्यमंत्री गए, अगर उन्होंने किसानों के कर्जे माफी की बात की तो पहले फाइल उन्होंने जाके वो साइन की। हमारा भाजपा की तरह नहीं है कि कहते रहते हैं और बाद में कह देते हैं तो जुमला था हमने चुनाव में कह दिया था। और हिमाचल को एक आधुनिक, एक बहुत प्रगतिशील और तरक्की पसंद प्रदेश हम बनाएंगे जिसमें रोजगार की असीम संभावनाएं
युवकों को रोजगार मिलेगा, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी, किसान बागवान को राहत मिलेगी, महिलाओं को राहत मिलेगी, और किस तरह से जो है हम महिलाओं को भी जो है सशक्त करने की का प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और कांग्रेस हर हाल में इस लड़ाई को जीतना चाहती है। कांग्रेस का दावा है कि सूबे के हर इलाके से बदलाव की मांग उठ रही है और उपचुनाव के नतीजे भी ये बता रहे हैं कि बीजेपी से जनता का मोह भंग हो चुका है। विशाल अंग्रेश, शिमला, News 24। और बात करेंगे बिलासपुर की। झारखंड की सियासत पर छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी को हॉर्स ट्रेडिंग करने की आवश्यकता नहीं, ये बात कही अरुण साहब ने। जनता के साथ भूपेश बघेल की सरकार अन्याय कर रही है, ये आरोप लगाए सरकार पर। बीजेपी ने कभी सरकार गिराने की कोशिश नहीं की, ये बात कही है अरुण साहब ने बीजेपी अध्यक्ष। जनता के साथ भूपेश बघेल की सरकार अन्याय कर रही, ये बात कही अरुण साहब ने। झारखंड की सियासत पर छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी ने कभी भी सरकार गिराने की कोशिश नहीं की। छत्तीसगढ़ के जनता के साथ जो अन्याय छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है, भूपेश बघेल की सरकार कर रही है, दारू मुर्गा का जिस प्रकार से इंतजाम हो रहा है, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता का पैसा इस तरह से उड़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे को इस प्रकार दुरुपयोग करने को बर्दाश्त नहीं करे। और स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर बात करेंगे जशपुर की। यहां आकाशीय बिजली की चपेट में मासूम आ गया। मौके पर 6 साल के मासूम की मौत हो गई है। जंगल में बकरी चराने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। पंडरापाट चौकी के भड़िया गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां पर आकाशीय बिजली की चपेट में मासूम आ गया। 6 साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई बिजली की चपेट में आने से। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आकाशीय बिजली गिरने से 6 साल के मासूम की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी जशपुर से सामने आ रही है। बता दें आपको, जशपुर में जंगल में बकरी चराने के लिए गया था 6 साल का मासूम, यहाँ बड़ा हादसा हुआ है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।